अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारों परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और सफाई वाली आई थी सफाई करने के लिए, तो वो घर की सफाई कर रही है, इसलिए आपको ये बोतल और ये चीज़ें जो है ना मैस इधर उधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो सफाई करने लगी थी तो मैंने सोचा कि यहीं से जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि 5 डेज़ हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ईरान से वापस आई हूँ तो मेरी तबीयत नहीं ठीक, और अभी भी ना जो है ना मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही। मेरी बोन्स में जो बैक बोन होती है वहाँ पे बहुत पेन है, और कंधों पे तो वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो बस इस वजह से उठा नहीं जाता तो दिल नहीं करता वीडियो बनाने को। तो मैंने सोचा कि आज मैं बना ही लेती हूँ। और यहाँ पर जी सफाई करके जो काम वाली है वो चली गई थी और हम धूप में बैठे थे, और ये पैरट्स भी हमारे साथ जो है ना धूप में, भाई मामा ने पिंजरा बाहर रख दिया था ताकि इनको भी धूप लगे और इनको भी इनकी भी जो है ना सुस्ती उतर जाए, तो इसलिए तो बाहर बैठ गई जी। हम किन्नू खाने लगे हैं, तो अश्तर जो है ना वो तंग कर रहा था बाहर, तो मम्मा ने इसे किन्नू ला के दिए कि ये लो किन्नू खाओ। तो यहाँ पर बस हम किन्नू खाने लगे और सब आप सब बताएं कि, और इसने बाहर से ना, यहाँ से मैं आपको भी दिखाती हूँ, इतने लेमन, ये जो लेमन वाला जो है ना पौधा, इस प्लांट ये वाला, इधर से इसने लेमन उतार लिए इतने ज़्यादा। तो मामा डांटते हैं, कहते हैं अभी छोटे हैं बिल्कुल, तो अभी ना उतारा करो, और ये बास नहीं आता, ये उतार के ले आता है, ठीक है। तो बस यही था आज का दिन, ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद ही रात का टाइम है, क्योंकि जो ना मैंने इतना कुछ नहीं था कि यार, सारा दिन मैंने आपको बताया ना कि बस बाहर ही मैं बैठी थी धूप में, तो फिर रात हो गई, तो रात को भी हम बस कुछ खाने के लिए बाहर निकले थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ। और जी काइंडली जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और आप सब यार वीडियो ही नहीं देखते मेरी, प्लीज़ वीडियो देख लिया करो, ठीक है। और यहाँ पर जी मैं रात के टाइम था तो अब मैं सोने लगी हूँ, ठीक है। तो सोने लगी हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ, अब मैं सुबह उठ के आपसे मिलूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं बातें कर रही थी किसी से तो वो इसलिए हाथ आ गया। और यहाँ पर जी सुबह हो चुकी थी और मैंने सारा जो बेड है वो क्लीन कर लिया है, सारा मैंने जो मैस वगैरह था वो साफ़ कर लिया, अब सफाई वाले आके सफाई कर लेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ आपको रेकमेंड करनी थी, ये इंश्योर का बॉक्स है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ये, ठीक है। अगर किसी को बोन्स का मसला है, न्यूट्रिशनल ये जो है ना सप्लीमेंट है, बहुत अच्छा है, इसके अंदर ओमेगा 3 है, ठीक है। ओमेगा 3 मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए जी, हाई इन ओमेगा 3 और विटामिन और मिनरल्स से भरपूर है ये, ठीक है। तो अगर किसी से ऐसे मिल्क नहीं पिया जाता तो आप मिल्क में ये 2 टेबलस्पून भर के डालें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, तो उसका जायका भी हो जाएगा और आपकी बोन्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और मिनरल्स और विटामिन के से ना भरपूर है ये, ठीक है, ओमेगा 3। ओके, इंश्योर का ये बॉक्स है, ये पता नहीं कितने का है, बाबा ने मुझे ला के दिया तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, ठीक है। और मैं हर बात के बाद ठीक है कहती हूँ, तो आपने जी बोर नहीं होना, क्योंकि आदत हो जाती है, तो आदत है बस, तो इस वजह से आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये रिकमेंड है, अगर किसी ने ट्राई करना हो, किसी से ऐसे मिल्क नहीं पिया जाता तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, काफ़ी इसका अच्छा जायका हो जाता है, तो आप ये मंगवा लें और इसको ट्राई करके देखें। और आपको जो है ना विटामिन्स भी प्रोवाइड इसके अंदर होते हैं, विटामिन्स भी होंगे, ये ओमेगा 3 है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ये, ठीक है। और यहाँ पर जी अब फिर मैं बाहर जा रही थी कहीं, खाला की तरफ हम जा रहे थे, अक्सर हम खाला की तरफ जाते रहते हैं, क्योंकि जो अश्तर है छोटा, हमारे घर में ना कोई बच्चा नहीं है, तो इस वजह से जो अश्तर है ना वो बहुत तंग करता है, क्योंकि घर में अकेले होते हैं हम, बाबा भी ऑफिस चल जाते हैं, भाई भी ऑफिस चल जाते हैं, एक भाई बाहर होता है मेरा, और मैं, भाभी और मेरी मामा घर होते हैं बस, तो ये बहुत ज़्यादा तंग करता है, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे हमारे घर कोई बच्चा नहीं है, तो इसका दिल नहीं लगता, तो बस इसको लेकर अब हम उस घर जा रहे थे। और वैसे भी आप ही ने हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है ना नर्स को चेकअप था उनका, तो उन्होंने चेकअप करवाना था, तो इसको साथ लेकर नहीं था जाना, क्योंकि बहुत तंग करता है। हम वहाँ से खाला की तरफ गए, उसके बाद खाला की तरफ से हम फिर घर वापस आ गए, और हमें अब भूख लगी थी, और मैंने, मामा ने ना गाजर का हलवा बनाया था, तो मैं वो गर्म कर रही हूँ ओवन में, और इसके बाद मैं गाजर का हलवा खाऊंगी,
ठीक है, तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं। गाजर का हलवा बहुत मज़े का बना था, ठीक है। अगर किसी ने इसकी रेसिपी चाहिए आपको तो आप मुझे मैसेज करना, तो इंशाल्लाह आपको इसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। और जी हाँ, मैंने आपसे बात करनी थी कि यार आप वीडियोस देख लिया करो, अगर देखते हो तो पूरी वॉच कर लिया करो और लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। इतनी मुश्किल से मैं वीडियो बनाती हूँ ना, जब कोई व्यूज़ लाइक नहीं आता फिर मेरा दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने को। इंसान इतनी मेहनत करता है, फिर कोई आगे से रिस्पॉन्स भी ना आए तो फिर दिल ही नहीं करता, ठीक है। तो काइंडली जी कर दिया करें लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पर जी मम अपना लगी थी सब्जी और मैं पास बैठी हुई थी उनके साथ, किन्नू भी ले आए थे। और यहाँ पर मैं सब्जी बनाने लगी थी, मैं नहीं सॉरी मामा सब्जी बनाने लगे थे। और मैं मेरा दिल कर रहा था खीरा खाने का, और मैं अपने लिए यहाँ पर जो है खीरा कट कर रही हूँ। और मैं ना छिलका नहीं उतारती खीरे से, मुझे ऐसे ये छिलके के साथ ही अच्छा लगता है, तो ऐसे बस मैं खा लिया। उसके बाद मेरा एक पार्सल आया था, ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से बाय किया है, हुडी इसकी है और ये मेरून कलर का है हुड, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ इसकी प्राइस है 2150, 2150 का ये मुझे मिला है। ब्लैक कलर की इसकी नीचे इनर है और साथ ये है, ठीक है, मेरून और ब्लैक का कॉम्बिनेशन परफेक्ट। ओके तो ये देखिए जी, मुझे तो फैब्रिक भी इतना बुरा नहीं है जी और इतना ख़ास भी नहीं है, और 2100 का ये मुझे मिला है। फैब्रिक अच्छा है इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर समझा जाए ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है इसका फैब्रिक, स्टफ़ इसका अच्छा है। और 2100 का मिला है, 2150 का मुझे मिला है, ठीक है। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, आज मैं आपके साथ जो है ना वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर छोटा भतीजा पीछे आपको नज़र आ रही हो आ रहा होगा, ये मुझे तंग कर रहा था, हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तो मैंने दरवाज़ा जो है ना बंद नहीं था किया, तो ये मुझे तंग कर रहा था। फिर मैंने भाभी को आवाज़ थी कि अब इसको ले जाए, फिर भाभी आई तो इसको उठा के ले गई। चलें जी, आप आलू और मटर और शिमला का, शिमला मिर्च जो होती है उसका आज मैं पुलाव बनाऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आलू शिमला और क्या लेना है, और मटर लेने हैं, ठीक है। मटर मैंने निकाल के रख लिए हुए थे, और मैंने आलू की कटिंग आपके सामने की है, ऐसे ही आपने आलू की कटिंग करनी है। और इस तरह ही आपने शिमला मिर्च की कटिंग करनी है, ठीक है। ये तीन वेजिटेबल से हम पुलाव बनाएंगे। अगर आपके पास गाजर है तो आप गाजर भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। चलें जी, आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ।
सबसे पहले आप रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। आपने जो है ना वेजिटेबल सबको कट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक बर्तन लेना है, उसमें ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद आपने प्याज शामिल करना है। यहाँ पर मेरे पास जो प्याज नहीं था तो मैंने ब्राउन प्याज जो बाज़ार से मिलता है मैंने वही इसमें ऐड कर दिया। उसको आप 2 गिलास चावल थे, स्टील का जो गिलास होता है वो 2 और 2.5 गिलास चावल थे, उसमें आपने 4-5 गिलास पानी डालना है, 5 गिलास, ठीक है। उसके बाद आपने प्याज को ब्राउन करके उसके अंदर पानी 1 गिलास शामिल करना है। उसके बाद आपने नमक को शामिल करना है, हसबे ज़रूरत आपने नमक शामिल करना है, ठीक है। और ज़ीरा आपने हसबे ज़रूरत शामिल करना है, और पुलाव मसाला जो भी आपने शामिल करना है वो, टमाटर, हरी मिर्चें शामिल करनी है। सब कुछ शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने जो है ना जो वेजिटेबल कट की हैं वो डाल देनी है, और जब वेजिटेबल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद आपने जो है ना इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर देना है, ठीक है। जब पानी में उबाल आ जाए उसके बाद आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं, ठीक है। चावल शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को हाई कर देना है, और जब ये सूखने लगे, पानी ड्राई होने लगे, तो उसके बाद आपने इसको दम दे देना है। 15 मिनट के बाद आपने इसको दम को उतार लेना है। इंशाल्लाह आपके चावल बहुत ही मज़े के बनेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। होप सो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सिंपल सी रेसिपी है। वेजिटेबल राइस तो सबको बनाने आते हैं, लेकिन ये मैंने अपने तरीके से बनाए हैं। जिस तरह मैं बनाती हूँ उसी तरह मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है। तो बहुत टेस्टी बने थे। तो जो जो मसाले स्पाइसेस आपने जितने रखने हैं अपने हिसाब से, आपको जितने स्पाइसेस, कम स्पाइसेस पसंद है कम रखें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा रखें। तो अब इसको मैं दम दे दूँगी, ठीक है। रेसिपी मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पर साथ में बना लेंगी थी रायता, और रायता बनाने के लिए दही लेना है हसबे ज़रूरत। आपने उसको अच्छे से पहले फेंट लेना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहे। तो ये रायता मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनाना है, ठीक है। रायते के लिए जो हमने ना चटनी जो होती है वो पहले ही बना के रखी हुई है, धनिया प्याज और टमाटर की जो हमने ना चटनी बना के रखी हुई है, ठीक है। तो जब भी हमने रायता बनाना होता है उसको स्टोर कर लिया है हमने। जब भी रायता बनाना होता है 2 टेबलस्पून हम भर के दही में डाल देते हैं, और वो बहुत मज़े का बनता है। आप जो धनिए का रायता बनाए, इतना मज़े का बनता है। धनिया, टमाटर और जो सुरख मिर्च, धनिया, टमाटर, सुरख मिर्च और प्याज, थोड़ा सा इसको हमने ग्राइंड किया हुआ है, तो इसको हम रायता बनाएंगे। साथ अगर पुदीना आपने ऐड करना है तो वो भी कर लें, वो भी बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। तो इन सब को हमने जो है ना ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको चटनी यहाँ पर दिखाती हूँ, ये वाली चटनी है, और इसके अंदर आपने हसबे ज़रूरत नमक शामिल कर लेना है, ठीक है। अगर आप काली मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च है तो काली मिर्च रहने दें आप उसको। तो यहाँ पर 2-2.5 टेबल स्पून हम भर के ये चटनी के डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये बहुत ही मज़े का रायता बनता है, ठीक है। आज मैंने आपको रायते की रेसिपी बताई है। ये वाला धनिया का रायता हमें बहुत पसंद है, हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, और हम बनाते ही धनिया का रायता है, धनिया और पुदीना और इन सब चीज़ों का रायता। अगर आपने प्याज और टमाटर नहीं भी शामिल करना तो आप ना करें, लेकिन आप धनिया इस तरह करके रख लें तो ये बहुत मज़े का रायता बनता है, ठीक है। ये है चटनी। तो यहाँ पर बस रायता भी रेडी होने लगा, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद जो चावल को दम दिया हुआ है वो मैं चेक करूँगी, और फिर जी हमारी रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। और ये जो मैंने एड्रेस पहना हुआ है, आई थिंक ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया कि ये किस तरह का मैंने स्टिच करवाया। वैसे मैंने आपको दिखाया था तो ये स्टिच होके आ गया, और मैंने आज पहन भी लिया है, और मुझे ना आपको दिखाना याद ही नहीं रहा कि किस तरह का स्टिच हुआ है। चलें फिर कभी मैं आपको दिखा दूँगी। और चुनट वाले इसके बाजू हैं, और जो गला है ना वो मैं आपको किसी दिन दिखा दूँगी। और यहाँ पर देखिए जी राइस का जो है ना दम उतारने लगी हूँ। ध्यान से आपने जब ये काम करना है तो ध्यान से करना, कहीं आती ना जल्दी, क्योंकि मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है, अक्सर फिंगर वगैरह पे ना भाप लग जाती है तो फिर छाला वगैरह बन जाता है। तो ध्यान से आपने काम करना है। और ये देखिए आपके सामने राइस माशाल्लाह से बहुत ही जो ना खिले खिले से बने हैं, और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर। मिलूंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।